हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे पास ये स्कॉर्पियो एस क्लासिक जो कि बेस मॉडल रहने वाली, ये डायरेक्टली गाड़ी हमारे पास शोरूम से आई है। इसमें हम करने वाले बहुत सारे मॉडिफिकेशन, इसको हम बनाएंगे बेस टू टॉप, जिसमें कंप्लीट इसके मॉडिफिकेशन चलने वाले हैं। बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, तो फ्रंट प्रोफाइल में कंपनी से ग्रिल आती है बेसिक काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी ग्रिल रिप्लेस करके इसमें हम लगाएंगे टॉप मॉडल वाली महिंद्रा जेन्युइन ग्रिल। साथ ही साथ इसमें हम लगाएंगे हेडलाइट में एलईडी बल्ब 180 वॉट, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अभी जो कंपनी के बल्ब प्रोवाइड होते हैं वो येलो बल्ब रहते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे हेडलाइट में एलईडी बल्ब। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल तरफ। तो साइड प्रोफाइल में हम इसमें लगा रहे हैं फुट स्टेबर, जो कि कंप्लीट आपको हेल्प करेगा चढ़ने उतरने में। साथ ही साथ इसकी एनहांस करने के लिए साइड प्रोफाइल, इसमें हम लगाएंगे रूफ रेल जो कि ब्लैक कलर में रहने वाली है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल का लुक एनहांस करने के लिए हमने इसमें लगाए ये एलईडी वाले रिफ्लेक्टर, जो कि कंप्लीट इसका लुक एनहांस करने वाले। साथ ही साथ इसमें हमने लगाया ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर, जो कि ग्रे फिनिश में आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें भी आपको लाइट प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे इसकी पूरी वर्किंग चल रही है। तो इंटीरियर में इसमें हम लगा रहे हैं ओरिजिनल बकेट फिट वाले सीट कवर, पूरी 11D वाली फ्लोरिंग। साथ ही इसमें हम लगा रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि मेगासोनिक ब्रांड का रहने वाला है, विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ में। और इसमें हम लगा रहे 360 कैमरा, जो कि बर्ड व्यू रहने वाला है, 3D कैलिब्रेशन के साथ में। तो कंपनी से इसमें स्पीकर भी प्रोवाइड नहीं होते, तो फ्रंट में और रियर में हम इसमें पाइनियर के स्पीकर भी लगा रहे हैं। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पे इसके पीछे पूरी वर्किंग चल रही है, तो आपको अभी दिखाएंगे फिर फाइनल शॉट्स। तो कंपनी से बेस मॉडल में सेंटर लॉक भी प्रोवाइड नहीं होता स्कॉर्पियो कार में, तो इसमें हमने RD कंपनी का लगाया, 3 ईयर वारंटी वाला सेंटर लॉक। कंपनी से जो की आती है, जो ऐसी कुछ की आती है, तो इसको रिप्लेस करके हमने इसमें लगाई है फ्लिप के वाला सेंटर लॉक, जो कि ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन आता है, जो कि हमने स्कॉर्पियो थार बहुत सारी कार्स में देखा होगा। तो ये कंप्लीट फ्लिप के वाला रिमोट भी हमने इसका बना दिया है, तो अगर आपको फ्लिप के वाला रिमोट बनवाना हो कोई भी कार का, तो वो बन जाता है हमारे पास। तो अब फाइनली ये स्कॉर्पियो एस क्लासिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। फ्रंट की तरफ आते हैं, तो फ्रंट में हमने इसमें हेडलाइट में एलईडी बल्ब रिप्लेस करें, हमने इसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब आते हैं तो वो निकाल कर हमने इसमें लगाई है एलईडी बल्ब, जो कि 180 वॉट में एलईडी बल्ब रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें हमने ये चेंज करी है फ्रंट की ग्रिल, जो कि टॉप मॉडल वाली ग्रिल आती है कंप्लीट एस क्लासिक की, जो कि S11 में आती है, तो वो भी इसमें हमने कम्प्लीटली रिप्लेस करी है। और जो इसमें हमने 360 कैमरा लगाया है, उसकी आपको दिखाते हैं प्लेसमेंट। फ्रंट की तरफ जो हमने प्लेसमेंट करी है कैमरा की, वो जस्ट लोगों के नीचे करी है, ताकि जो व्यू है वो प्रॉपर व्यू आ पाए इसका। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो अब हम आ गए इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, दिखाते हैं इसकी कैमरा की इंस्टॉलेशन आपको। तो यहाँ पे हमने करी ORVM के जस्ट नीचे इसकी कैमरा की इंस्टॉलेशन, जो कि राइट ORVM के नीचे, एज वेल हमने भी लेफ्ट ORVM पे भी सेम भी इंस्टॉलेशन करी है। अब बात करते हैं फुटरेस्ट की। इसमें हमने लगाई ये फुटरेस्ट, जो ओरिजिनल क्रोमा टाइप मॉडल आता है, तो वो भी इसमें हमने इंस्टॉल कर दी, जो कि फुट स्टेपर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका लुक एनहांस करने के लिए हमने ऊपर लगाई है रूफ रेल्स, जो कम्प्लीटली दोनों साइड पे लगती है, तो ये इसका लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस करती है। और इसमें हमने लगाई ये ब्लैक वाले डोर वाइज़र, जिसको विंड वाइज़र भी बोलते हैं स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ में। अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल में हमने जो इसकी कैमरा की इंस्टॉलेशन करी, वो जस्ट इसके लोगों के नीचे करी है, जैसे कंपनी टॉप मॉडल में प्रोवाइड करती है, तो यहाँ से आपको प्रॉपर इसका व्यू मिल जाएगा। और इसमें हमने लगाया ये टॉप मॉडल वाला स्कॉर्पियो S11 क्लासिक वाला ओरिजिनल स्पॉइलर भी लगाया, जो कि ब्रेक लाइट के साथ में आता है, तो ये पूरा प्रॉपर कलर मैचिंग रहने वाला है, तो लुक काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग प्रोवाइड करता है ये चीज़ लगने के बाद। इसका लुक एनहांस करने के लिए हमने इसमें लगाए ये रिफ्लेक्टर, जो कि इसके स्टॉक रिफ्लेक्टर आते हैं, वो रिप्लेस करके हमने इसमें लगाए LED वाले रिफ्लेक्टर, तो इसमें आपको इंडिकेटर फंक्शन भी मिलता है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल की तरफ। तो कंपनी से इसमें बेसिक मॉडल में सीट कवर भी प्रोवाइड नहीं थे, तो इसमें हमने ऑस्ट्रेलियन लेदर वाले सीट कवर लगाए, जो कि प्रॉपर बकेट फिटिंग में लगाए। तो कलर जो रहने वाला है इसका ब्लैक प्लस ग्रे, हैश ग्रे इसका कलर रहने वाला है, ब्लैक प्लस एश ग्रे इसका कलर रहने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड हो रहा है गाड़ी में लगने के बाद। तो फिटिंग जो इसमें करी गई है वो टोटली बकेट फिटिंग करी गई है, फ्रंट रो में भी और रियर रो में भी एज वेल। तो लुक आप इसका देख सकते हैं, फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना फिनिशिंग कैसी लग रही है आपको। और इसमें हमने 11D वाली कंप्लीट फ्लोरिंग भी ऐड करी है, जो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख जाएगी। तो इसमें हमने करी है 11D वाली फ्लोरिंग ऐड, जो कंप्लीट पूरी ऐड होती है फ्लोरिंग, तो ये भी इसमें हमने ऐड करी है कंप्लीटली फ्रंट से रियर रो कंप्लीट तक। और कंपनी जिसमें म्यूजिक सिस्टम भी प्रोवाइड नहीं होता, तो इसमें हमने स्पीकर जो लगाए फ्रंट में
और रियर में हमने इसमें लगाए पाइनियर के कोएक्सल स्पीकर्स, जो कंप्लीट काफ़ी ज़्यादा साउंड आउटपुट इसका रहने वाला है। अब इसका दिखाते हैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी कैसी क्या रहने वाली है। तो इसमें हमने जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया मेगासोनिक ब्रांड का लगा, जो कि 4x32GB कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलने वाला है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड 2 वायरलेस मिलेगा और आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा स्टीरियो में, क्योंकि ये सबसे टॉप क्वालिटी का स्टीरियो है। तो इसमें ये पूरा लैग फ्री रहने वाला है और कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी अच्छी है। और इसमें फीचर्स आपको मिलते हैं, इसमें DSP आपको इनबिल्ट मिलेगा, तो इसमें आप साउंड की सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इक्वलाइजर भी मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आप 360 कैमरा और DVR भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बजट वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टीरियो है ये, और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टीरियो है। अब दिखाते हैं मैं आपको 360 कैमरा की क्वालिटी। तो ये है हमारा इसका 3D व्यू टोटल कैमरा का, जो इसमें हमने 3D कैलिब्रेशन किया है, तो ऐसा कुछ इसका व्यू रहने वाला है। और इसमें आपको जूम इन जूम आउट का भी मिल जाएगा ऑप्शन, तो ये देख सकते हैं आप कंप्लीट आपका कार का 3D ओवरव्यू देख सकते हैं इससे, कि आपको आसपास कौन सी क्या लाइक कितना डिस्टेंस है। अब बात करते हैं इसकी 2D व्यू की, तो ये हमारा इसका फ्रंट का व्यू रहने वाला है। क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इसके पिक्सल। ये हमारा रियर प्रोफाइल का व्यू है, तो ये फिश आई कैमरा रहते हैं, तो आपको 360 पूरा व्यू दिखाते हैं गाड़ी का। और ये हमारा लेफ्ट साइड का इसका कंप्लीट व्यू है, ये सेम एज वेल राइट साइड का व्यू है, ये आपका दोनों साइड का व्यू आ गया दोनों एंगल का। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर, जैसे मैं टायर टर्न कर रहा हूँ तो आपको प्रॉपर ये दिखेगा दोनों साइड पे कि ये टायर टर्न हो रहा है, दोनों साइड का आपका व्यू आ गया। और ये आपका फ्रंट का पूरा कंप्लीट व्यू आ गया, और इसमें आपको रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलेगा, तो आप कैमरे को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो आपको क्वालिटी इसकी कैसी लगेगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब चलते हैं वीडियो एंड करके। तो ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो। आपको ये स्कॉर्पियो की मॉडिफिकेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आप भी एक स्कॉर्पियो ओनर है या अगर आपने कार बुक कराई है तो आपको मॉडिफिकेशन करवानी है आपकी कार में, तो आपको आना इंदौर में न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर पे। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी पूछनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर, जो कि इंदौर में शास्त्री मार्केट में लोकेटेड है, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि उसी से आपके लिए लेकर आएंगे और भी ऐसी कोई नई वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।